पेरेंट्स से पैसा लिया जो उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी, कुछ हमने लोन लिया, कुछ हमने जो जमा पूंजी इकट्ठी की थी उससे हमने घर लिया द्वारका एक्सप्रेस पे। ये लॉन्च हुआ था 2007 में और जैसे डीलर्स बोलते हैं कि लाइफलाइन होगा, वर्ल्ड क्लास रोड होगा, सबसे चौड़ा रोड होगा, इसके बीच से मेट्रो जाएगी, तो हम लोग इतने आकर्षित हुए। हम लोगों ने जहाँ जहाँ मास्टर प्लान में बताया था ये सेक्टर है, यहाँ पे अपार्टमेंट आ रहे हैं, यहाँ प्लॉट आ रहे हैं, हमने मकान ले लिया, मकान बुक करवाया। हमें पता चला 3 साल में 4 साल में आपको मकान मिल जाएगा। फिर हमें से है कोई किसी स्टेट से है और किसी की विचारधारा भी सेम नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा यहाँ पे आके मिली कि यार हमें मकान नहीं मिला है, सरकार ने हमें बेवकूफ़ बनाया है या डीलर ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम लोग 10-20 लोग मिले शुरुआत में, हमने एक एसोसिएशन बनाई, द्वारका एक्सप्रेस एसोसिएशन 2015 में बनी हमारी एसोसिएशन, उससे पहले हम काम शुरू कर चुके थे। तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट प्लान किया, हमारा पहला प्रोटेस्ट, हमें परमिशन नहीं मिली उसकी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। 3 महीने हमने फॉलोअप किया पुलिस के साथ, हमें परमिशन नहीं मिली। उसके बाद हमने पहला प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर में, हमारा मीडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट था, पूरा मीडिया ने हमारा साथ दिया, आवाज़ उठी। उसके बाद हमने हवन तक किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई, सरकारी दफ्तरों में सुनवाई नहीं हुई, तो हमने भगवान से गुहार भी लगाई, हवन किया, हमने क्रिकेट मैच करवाया अपने सभी मुद्दों को लेके। उसके बाद भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हरियाणा में तो काम पूरा कर दिया है, लगभग पूरा हो गया, दिल्ली का तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि 18 किलोमीटर रोड ये हरियाणा में और 9 किलोमीटर का दिल्ली में पड़ता है, जो कि पिछले साल जब NHI को हैंड ओवर हुआ तो 18 से 27 किलोमीटर हो गया था। तो हमें लगा यार हरियाणा के तो सारे हर्डल ख़त्म हो गए हैं, अब दिल्ली में कुछ हर्डल है नहीं। अचानक हमें पता चलता है कोई पेड़ों की समस्या आ गई यहाँ पे, 13,000 प्लांट कुछ रिप्लांट करने हैं पेड़। तो हमारे साथी लोग, टीम के लोग केजरीवाल साहब से मिले, उन्होंने हमें सत्येंद्र जैन से मिलने के लिए बोला, हमें वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी की बातें समझ सकती है, जान सकती है, हमसे हमारा दर्द उनसे ज़्यादा मैं नहीं समझता भाजपा या कांग्रेस समझ पाती होगी। अगर आम आदमी पार्टी ही हमारा दर्द नहीं समझेगी तो मैं भाजपा कांग्रेस से तो मैं आशा नहीं कर सकता हूँ। तो आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए, ये वोटर दिल्ली के हैं, ये हरियाणा में काम करने जाते हैं, गुड़गांव में नौकरी करने जाते हैं, ये वोट यहाँ भी डालेंगे, हरियाणा में भी डालेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी का दर्द समझें, आम आदमी का साथ दें और हमें जो सॉल्यूशन मिलना है वो जल्द से जल्द दिलवाएं।